उत्तराखंड में लगातार विकास हो रहा है। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ों का दोहन हो रहा है और उत्तराखंड में लगातार ग्लेशियर पहले के मुकाबले काफी तेजी से पिघल रहे हैं। ये संकेत है कि आने वाले समय में भारत में जल संकट गहरा हो जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड के दो नव युवक उत्तराखंड से दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक पैदल पदयात्रा कर रहे हैं और वहां जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने यात्रा 1 अप्रैल से शुरू की थी और 16 दिन में ये गाजियाबाद तक पहुंचे हैं। इनका कहना है कि राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में जल संकट के साथ साथ आग लगने की समस्या के विकराल रूप लेकर खड़ी है, ऐसे में सरकार को सही कदम उठाने की जरूरत है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के मेरठ रोड पर खड़ा हूँ और ये जो सड़क है यहाँ से सीधा देहरादून जाती है, जिसकी जो दूरी है लगभग 270 किलोमीटर की है। और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो हाथ में तिरंगा लेकर उत्तराखंड से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के चौखटिया से ये पैदल चलते हुए आए हैं और लगभग 550 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने पैदल किया है। वजह क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह बिष्ट है। हाँ शंकर जी, ये बताइए, ऑक्सीजन मास्क पहनकर उत्तराखंड से दिल्ली आप जा रहे हैं, क्यों? ऑक्सीजन मास्क का ये है कि ये ऑक्सीजन मॉडल है और ये भविष्य का संकेत है कि जिस प्रकार से आज दोहन हो रहा है पर्यावरण का या पेड़ों का दोहन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ख़ास तौर पे पहाड़ों को लेकर हमारा एक मुद्दा है कि जो फॉरेस्ट फायर वहाँ पे लग रही है और वो ऑक्सीजन का हब है और वो जंगल जल रहे हैं आज। वहाँ चीड़ इतना फैल गया है कि उस चीड़ ने पूरे जंगलों को बर्बाद कर दिया है। वहाँ एक बार आग लगती है तो वो पूरे जंगलों को खाक कर देती है और उसका असर कहीं हिमालय पे पड़ता है, हिमालय से नदियों पे पड़ता है, कार्बन उत्सर्जन होता है। आप एक चीज़ देखिए, जब COP26 चल रहा था तो मोदी जी ने नेट जीरो का एक कमिटमेंट करके आए थे और वही यहाँ पे हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो अगर उस कमिटमेंट को हम पूरा करने में अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे तो कितना बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। एक तरफ तो हम कार्बन उत्सर्जन कम नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर हमारा ये मुद्दा है कि उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाया जाए। अच्छा, अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा है और कितने दिन का सफ़र हुआ और कहाँ कहाँ से होते हुए आप आए? हमारा आज 16वां दिन है और हम चौखुटिया से चले तो गैरसैंण होते हुए कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, श्रीनगर, देहरादून, देहरादून से फिर हम रुड़की आए, रुड़की से मेरठ होते हुए आज हम गाजियाबाद पहुँचे हैं। अच्छा, दिल्ली आप जा रहे हैं, दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में हम राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। वहाँ आपने किसी तरह का अपॉइंटमेंट वगैरह लिया है, कहीं ऐसा ना हो वहाँ से जाकर निराश हो जाए? नहीं, अपॉइंटमेंट के लिए हमने पूरे लेटर वगैरह डाले हुए हैं, सब कुछ लगाया हुआ है, अब उम्मीद पूरी है, निराशा नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, ऐसे में आप लोगों का जो खर्चा है, लगभग 15-16 दिन आप बाहर रहे हैं और अभी भी बाहर रहेंगे, तो खाने पीने का खर्चा किस तरह से आप कर रहे हैं और सोने वगैरह का? ये समाज का कार्य है और लोग इसमें बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जहाँ पे कहीं मंदिर होते हैं, कहीं धर्मशालाएं होते हैं, गांव होते हैं, तो उन जगह पे बहुत अच्छा सहयोग मिला लोगों का, तो इस प्रकार से हुआ। जहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पे अपना देखना पड़ता है। और एक साथी और हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद सिंह बिष्ट है। प्रमोद जी, ये बताइए कि कैसे दिमाग में आया कि पैदल चलकर दिल्ली जाया जाए और वहाँ राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई जाए? क्योंकि ये जो है अभी फायर सीजन है, इसलिए भाई ने भी बोला कि हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई मतलब में काम आगे नहीं बढ़ेगा, किसी को ना किसी को आगे आना ही पड़ेगा। इसलिए हमें एक वो बनाया जन जागृति यात्रा का, पैदल मार्च हमने निकाली दो भाइयों ने। इसलिए हमने कहा कि जल वनों को काटने से और जलने से बचाया जाए, ये जन जागृति यात्रा हम चौखटिया से देहरादून होते हुए दिल्ली राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, जिस जहां सबकी नज़र होती है, ताकि लोग 100 में से 10% भी अगर समझ जाएं तो हमारा पर्यावरण, हमारा जल, हमारा जंगल बच सकता है। तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कही कि अगर लोग समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड का दोहन किया जा रहा है वो पहाड़ बच सकते हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फतेहपुर में टाइम बम मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरे जिले में टाइम बम मिलने की सूचना आग की तरह फैलने लगी। वहीं टाइम बम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने टाइम बम जैसे उपकरण को कब्जे में लेकर पानी की बाल्टी में डाल दिया। टाइम बम को लेकर एसपी ने कहा कि यह पटाखा है, किसी ने शरारत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।
एलआईसी एजेंट अभिमन्यु सिंह द्वारा थाना लोली पर सूचना दिया गया कि उसके दरवाजे पर धमकी भरा पत्र एवं बम की सूचना है। इस संबंध में तत्काल थाना लोली की फोर्स मौके पर जाकर परीक्षण किया गया तो पाया गया कि एक धमकी भरा पत्र एवं पटाखों को वायर से जोड़कर एक प्लास्टिक के थैले पे रखा गया है। एहतियात के तौर पर उसे पानी में रखवा दिया गया है और डिस्पोजल हेतु संबंधित को पत्राचार किया गया है। इस संबंध में थाना लोली पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। दो समुदाय में मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया जिसमें जमकर एक पत्थर चले जिससे कई लोग जख्मी भी हो गए। वहीं पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके में संवेदनशीलता को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया। जानकारी के मुताबिक दो समुदाय में रास्ते से निकलने को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी जिसके चलते विवाद हुआ जिसमें एक पक्ष ने दूसरे समुदाय विशेष के लोगों पर जमकर ईंट पत्थर बरसा दिया। पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल स्थिति को नियंत्रण में किया। सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है, तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पथराव वगैरह भी हुआ? जांच की जा रही है, सभी बिंदुओं पर देखा जा रहा है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे जा रहे हैं, जो भी जिन भी व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया उनके खिलाफ क्या क्या आरोप लगा रहे हैं सर ये लोग यहाँ के? अब तहरीर जैसे प्राप्त होगी उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी का चोट वगैरह भी है सर? अभी पता कराया जा रहा है, जो भी होगा मेडिकल करा के कार्रवाई की जाएगी। ये हुआ था जैसे हम दूसरे में बाहर थे तो दो लड़के आए पहले गाड़ी से, तो स्कूटर से कोई बात बच्चे से हो गई है, बेचारा ही कपड़े जा रहे हैं, तो वो ना कह रहे तो उन्होंने कही कि हम सर रहे दर को अभी, तो कहते हम लड़ाई का जोर उठा रहे हो, हम कहीं ना तो आ गए वहाँ से, हम भी बाहर जो खड़े तो आग कहने लगे इनकी माँ का जो करें इन्हें रमजान होने देंगे, हम देखो कैसे रमजान होंगे।